उत्तर प्रदेश में बहुत सालों बाद कांग्रेस 403 सीटों पर लड़ रही है, बड़ी बात है, लेकिन रिजल्ट क्या रहेगा? अब रिजल्ट तो देखा जाएगा 10 मार्च को, मैं थोड़ी भविष्यवाणी करूंगी इसकी। काफी संघर्ष है कांग्रेस। किसने कहा, आप कह रहे हैं? और संघर्ष है तो क्या हुआ, कांग्रेस तैयार है संघर्ष के लिए? और कौन सी पार्टी ने संघर्ष किया यहाँ? जनता का संघर्ष, जनता की आवाज किसने उठाया? समाजवादी ने उठाया? बसपा ने उठाया? किसी ने उठाई? बीजेपी की बहुत बड़ी फौज लगी है नेताओं, उसके सामने आप अकेले संघर्ष? तो ऐसे ही तो करते हैं संघर्ष, ऐसे ही तो होता है। जब बड़ी जंग लड़नी पड़ती है तो अकेले लड़ना पड़ता है, तो क्या हुआ? मैं नहीं डरती बीजेपी से। बहुत सारे नेता आपके लेकिन चले? हाँ, बहुत सारे नेता इस इलाके में चलेंगे। हिम्मत नहीं है उनमें, चले गए? हिम्मत होती तो लड़ते, और अगर हिम्मत नहीं है तो हम तो खुश हैं कि अब हमारे साथ सिर्फ वही लोग हैं जो जिनकी हिम्मत है। आज शिवरात्रि के दिन प्रदेशवासियों के लिए आपने कुछ काम? जी, शुभकामनाएं की। जी जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? हाँ, कैसा रहेगा परफॉर्मेंस? अच्छा ही रहेगा, हम लड़ रहे हैं बहुत सालों बाद, जैसे आपने कहा 400 सीटों में लड़ रहे हैं, अच्छा करेंगे। थैंक यू मैडम। ये थी प्रियंका गांधी जी, जो उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पुराना इतिहास फिर दोहराएगी और कांग्रेस संघर्ष के रास्ते ही उत्तर प्रदेश में सत्ता पर फिर आएगी। कैमरामैन शिवम के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, बस्ती। तो लगातार जिस तरीके से छठे